नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी के इस कवरेज में। और आज हम दशहरा ग्राउंड, सफीदों के दशहरा ग्राउंड में पहुंचे और हमसे बात करने के लिए यहाँ पर पूर्व विधायक हैं जसवीर देशवाल, विजय पाल जी हैं और पालिका के प्रधान सेवाराम सैनी हैं और राजीव जैन, राजीव जी भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद राम, कंचन टीवी का धन्यवाद जी। रामलीला ग्राउंड में पहुंचे हैं, क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? ये दशहरे के इस पावन अवसर पर जो हमारे सभी शहरवासी और इलाके के लोग आए हैं, मैं इनको सभी को एक मेरी तरफ से ये एक संदेश है कि सभी प्यार से प्रेम से इस पूरे प्रोग्राम को देखें और सभी जो है शांति बनाए रखें। क्या नहीं लगता कि आज समाज में बुराइयों का जोर ज़्यादा है, एक राम के जो उनके गुण थे उनको लाने की आवश्यकता है समाज में फिर से? आज का दशहरे का जो पर्व है वो बुराइयों पे और अच्छाई की जीत का जो है वो संदेश देता है और सभी से मेरा निवेदन है कि सभी शांति से इस पूरे प्रोग्राम को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने। धन्यवाद। हमारे साथ हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर हैं विजय पाल जी, उनसे भी हम जानना चाहेंगे, साहब जानना चाहेंगे आपसे, आज यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में पहुँचे हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे दशहरे के लिए? दशहरे पर्व की सफीदों हल्के वासियों को बहुत बहुत बधाई, सभी दशहरा कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रकार का आयोजन करके हमारी धार्मिक परम्परा को कायम रखती है और आज ये त्यौहार पूरी जनता हर्षोल्लास के साथ मना रही है। आज का दिन बुराई के ऊपर अच्छाई का प्रतीक है और आने वाले समय में हम बुराई को मारकर अच्छाई का साथ देंगे और ये समय आज दशहरा पर्व इसलिए मनाया जाता है कि सदियों सदियों से कि आज का दिन जो बुराई के ऊपर अच्छाई का दिन गिना जाता है। आपको नहीं लगता कि आज राम जी के जो आदर्श हैं उनको अपनाने की आवश्यकता है समाज को? वास्तव में जो राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, वास्तव में उनके जीवन से तो सब कुछ सीखते ही हैं, रामलीला का मतलब यही है। लेकिन आज का विशेष अवसर जो राम जी ने जो इस बुराई को ख़त्म किया था, उस बुराई को ख़त्म करके जिनको हम सदियों सदियों से याद कर रहे हैं, आने वाला समय इस प्रकार का है कि हम बुराई के अंक को ख़त्म करके अच्छाई की विजय प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं सेवाराम सैनी, उनसे भी हम जानना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे उनसे, प्रधान जी जानना चाहेंगे, आज रामलीला का मंचन यहाँ पर होता है, दशहरे का मेला भरा है, क्या कहना चाहेंगे? आज दशहरा पर्व पर मैं सभी नगरवासियों को बधाई देता हूँ। दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है, हमें भी जीवन में बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को अपनाने की प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि रावण को तो जला दिया जाता है, जो बुराइयों का रावण है उसको जलाया नहीं जाता, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बुराइयों का रावण भी हमें जला देना चाहिए, हमें मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहना चाहिए और समाज की कुरीतियों को खत्म कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। जी धन्यवाद। बहुत हमारे साथ हैं सफीदों से राजीव जी हैं, उनसे भी हम जाना चाहेंगे, प्रसिद्ध व्यवसायी हैं, समाज सेवी भी है, आज यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये दशहरा पर्व मनाया जा रहा है बड़ी खुशियों से, ये अच्छाई बुराइयों पर अच्छाई की विजय है, हम चाहते हैं लोग जैसे रावण जलते अपनी बुराइयों को जला के अच्छाई का साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करें। धन्यवाद। शिषपाल जी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि आज बुराइयों का बोलबाला ज़्यादा है, अच्छाई कहीं ना कहीं पीछे हो गई है? यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत है और निश्चित रूप से इसमें कामयाब होंगे। और इलेक्शन का दौर है, इस दौर में भाईचारा खराब हो जाता है, तो क्या संदेश कंचन टीवी के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम भाईचारा बनाते हुए भाजपा को जीत दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सफीदों के गणमान्य लोग हैं, नागरिक हैं या विशिष्ट लोग हैं यहाँ पर। मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों को कि बहुत ही गजब का यहाँ पर माहौल बन गया है और यहाँ पर दशहरा हर साल की तरह इस बार भी दशहरा बहुत ही शबाब पर है। आप देख सकते हैं तीन तीन यहाँ पर रावण है, मेघनाथ है और कुंभकर्ण के पुतले यहाँ पर लगाए गए हैं, बहुत ही गजब का माहौल। हमेशा की तरह इस बार भी सफीदों के इस रामलीला दशहरा प्रांगण में
अच्छा लगता है जब इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो समाज को एक सूत्र में बांधते हैं और समाज के लिए, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए है, एक उदाहरण पेश करते हैं और हमारे बच्चों को हम अच्छे संस्कार देते हैं और अपने कल्चर से जोड़ने का एक अच्छा काम हम करते हैं। तो कंचन टीवी भी अपनी सामाजिक सरोकार निभाता रहता है, अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों को समझता है, वो हमेशा इस तरह के आयोजनों को आप तक पहुँचाता रहता है ताकि आप घर बैठे उन आयोजनों को देख सके और हमारी संस्कृति सभ्यता से जुड़ सके। यही अपने मूल्य से जुड़े रहना ही काम है कंचन टीवी का। अब हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पर है SHO धर्मवीर जी, उनसे जानेंगे। सर, किस तरह का चल रहा है आयोजन आपका? बड़ा अच्छा चल रहा है। विजयदशमी के पर्व पर मैं सबसे पहले तो आप साथियों को, सफेदों वासियों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और इस मौके पर लोगों की धार्मिक भावनाओं का देखते हुए ऐसी भीड़, ऐसी उत्तेजना होना स्वाभाविक है, लेकिन हम सभी पुलिस के साथी अपनी ड्यूटियां बड़ी मुस्तैद से बनाए। मैं खुद स्वयं मौके पर मौजूद हूँ, बाकी व्यवस्था आप देख सकते हैं। धार्मिक उन्माद जहाँ पर होता है वहाँ पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है? धार्मिक उन्माद में करनी पड़ती है, लेकिन ये धार्मिक उत्सव है, खुशी का उत्सव है, इसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत है दर्शक भक्तों की ओर से नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं, हमें सहयोग मिल रहा है अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और मैं भी कहना चाहूँगा दर्शकों को कि हरियाणा पुलिस है, तत्पर रहती है और SHO धर्मवीर जी हैं अपनी टीम के साथ हर जगह मुस्तैदी से काम करते हैं, कहीं भी कोई चूक ना हो जाए इसके लिए वो दिन रात लग रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा और बहुत बहुत आभारी भी हूँ कि आप कानून व्यवस्था के लिए यहाँ पर बने रहते हैं, 24 घंटे सेवा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद आपका बहुत। तो ये थे धर्मवीर जी जो कहते हैं कानून व्यवस्था बनी और यहाँ पर खूब सारे टोलियाँ हैं, अलग अलग टोलियाँ हैं वो आई हैं यहाँ और कहाँ पर खूब सारा मंजर, हंसी खुशी वाला मंजर देखने को मिलता है। खूब सारी झांकियाँ, खूब सारे जो हनुमान हैं यहाँ पर, जो वानर सेना है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं कहूँगा आपसे बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ पल पल की अपडेट के लिए, रामलीला से जुड़ी, दशहरे से जुड़ी और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिएगा आप कंचन टीवी के साथ। कैमरामैन से योगी राजेश रंगा के लिए साथ मैं यशपाल कंचन। देश प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए आपका अपना चैनल कंचन टीवी, आपकी आवाज, और सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।